राजस्थान में चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों, विधायकों और सांसदों के अलावा पार्टी पदाधिकारियों के नए पुराने वीडियो वायरल होने लगे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे बेगू विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का बताया जा रहा है। वीडियो में एक ग्रामीण दो युवकों के साथ दिख रहा है। उधर एक शख्स कुछ समर्थकों के साथ आता है, जिसे बेगू विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी बताया जा रहा है। बिधूड़ी के आते ही ग्रामीण अपनी पगड़ी उसके पैरों पर रखकर अपनी गुहार लगाता है। इधर कथित रूप से विधायक जी इतने आग बबूला हो जाते हैं कि न केवल उसकी पगड़ी पर लात मारते हैं, बल्कि उसे गाली तक दे देते हैं। फिर उसके कागजों को हाथ में लेकर तल्ख अंदाज में सवाल करते हैं और उसे डांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर ग्रामीण जमीन पर पड़ी पगड़ी को सहेज कर अपने सिर पर पहनता है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 2 साल पुराना है। ये सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है, जो किसी होटल रिसेप्शन का बताया जा रहा है। पड़ताल करने पर पता चला कि इस वीडियो को चुनावी माहौल देखकर वायरल किया जा रहा है। इधर उस ग्रामीण का भी वीडियो सामने आ गया, जिसकी पगड़ी पर कथित रूप से विधायक ने लात मारी थी। ये पगड़ी वाला शख्स गांव गंदेलिया के रहने वाला लांबी राम गुर्जर है, जिन्होंने राजस्थान तक को बताया कि वो एक रेस्टोरेंट में विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी के पास अपनी गुहार लगाने गए थे। उन्होंने उनकी बात तो नहीं सुनी, बल्कि उल्टे पगड़ी पर लात मार दी। क्या नाम है आपका? लोबीराम। किस तरह की घटना हुई थी आपके साथ? हमारे ऊपर घटना बहुत बुरी हुई है। क्या हुआ था? रुपया भी गया, लुगाई भी गई, लुकमा भी गई, सब रह गया। ठीक है, और कागली भी ले गया। आप विधायक जी के पास पहुंचे थे, क्या हुआ था? बाद में उदय के पास गया तो मैं भी मार सरो दान की लग जाए आराम केटरी मीने तो मारा दो भीसा आए करे तो मखबा को दान हो जाए। मां जो हम नियम नहीं उठी जाए फागड़ी की लाद गिरी जाए उतनी सीट जाती पड़ी हो हटाया ऐसा कुत्ता यहाँ से आया यूँ जो सब रहने वाले हो आप गंजले रहने वाले। इधर इस मामले में राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का भी पक्ष सामने आ गया है। राजेंद्र बिधूड़ी का कहना है कि ये सब एडिटेड वीडियो है और इस वीडियो के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। 2021 का वीडियो डाला, ये सब एडिटेड है, फेक है। ऐसा ना मैंने किसी को साथ दुर्व्यवहार किया है, ना किसी को अपमानित किया है, ये सब एडिटेड करके डाला है। ये व्यक्ति मुझसे मिलने आया था तो मुझे कहने लगा कि अचानक इसने अपनी पगड़ी जमीन पर रख दी। मैं आगे बढ़ रहा था, मैंने कहा पगड़ी उठाओ और बांध के फिर मुझसे बात करना। तो बांध के बाहर मुझसे जब गेट के बाहर बात की तो इसने मुझे कहा कि मेरा बेटा किसी की बेटी को नाता लिया है, नाते के मैंने 7 लाख रुपए दिए और लड़की भी वापस चली गई। मैंने कहा बाल विवाह नाता पर था, कानूनी अपराध है, आप पुलिस में जाओ, मैं जो भी चीज़ें हैं सामाजिक स्तर पर ठीक रखूँ। तो इसने कहा कि नहीं मैं पुलिस में आप फ़ोन कर दो। मैंने कहा मैं पुलिस में फ़ोन नहीं करता किसी के खिलाफ भी, अब जाओ और कानूनी कार्रवाई करनी है तो सामाजिक स्तर पर भी करो और अपने आप इस चीज़ को सुलझाओ। इतना कह के मैं निकल गया। उसके बाद ये सब एडिटेड करके 2 साल पुराना वीडियो को मेरी छवि खराब करने के डाल रहे हैं, क्योंकि मैं चुनाव जीत रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना रही है। विरोधियों को ये चुनाव के दिन ये मौके पर नकली वीडियो डालने की, एडिक्टेड वीडियो डालने का चलन होता है सोशल मीडिया पर। तरह तरह के वीडियो हर किसी के खिलाफ आते रहते हैं। मैं इस वीडियो के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। गौरतलब है कि गुर्जर नेता राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का ये पहला वीडियो वायरल नहीं हुआ है। इससे पहले भी उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें भैंस रोड थाना प्रभारी संजय गुर्जर को एक मामले में गाली देते हुए सुने गए थे। ये ऑडियो 1 साल पहले वायरल हुआ था। आपको बता दें कि 61 साल के राजेंद्र सिंह बिधूड़ी मेवाड़ क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और बेगू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। बिधूड़ी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बिधूड़ी ने इससे पहले सीएम गहलोत पर कई आरोप भी लगाए थे, जिसमें पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच नहीं होने पर उन्होंने सवाल उठाया था। इसके अलावा चुनाव हारने वालों को राज्य मंत्री बनाने पर भी सीएम गहलोत को निशाने पर लेकर बिधूड़ी चर्चा में आए थे। अब आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट।